यूपी से दोस्त के साथ पिकनिक मनाने रीवा आए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की क्योटी जलप्रपात में डूबने से मौत हो गई है। चार दोस्त यूपी से पिकनिक मनाने क्योटी जलप्रपात आए थे, जिसमें से एक दोस्त हादसे का शिकार हो गया। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर सबको बाहर निकाला है। मृतक घर से बैंक जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन वो दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने पहुंच गया और क्योटी जलप्रपात में डूबने से उसकी मौत हो गई। दरअसल ये पूरा मामला रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र स्थित लाल गांव चौकी के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल क्योटी जलप्रपात का है। गुरुवार को हुए इस हादसे के बाद इंजीनियर का शव शुक्रवार को नदी से बाहर निकाला गया है। मामले में परिजनों ने कई तरह की आशंकाएं भी व्यक्त की है, जिसे लेकर पुलिस ने मर्ग कायम किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित मेजा निवासी 22 वर्षीय आकाश पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। आकाश अपने चार दोस्तों के साथ गुरुवार की शाम क्योटी जलप्रपात घूमने आया था। दोस्तों ने बताया कि नदी में नहाते समय तीन दोस्त अचानक बहने लगे थे, जिसमें से दो लोगों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, जबकि आकाश पानी की गहराइयों में समा गया। इसकी सूचना दोस्तों ने परिजनों को दी और परिजनों द्वारा पुलिस को घटना से अवगत कराया गया। देर रात मौके पर पहुंची पुलिस अंधेरा होने की वजह से सबको बाहर नहीं निकाल सकी, जिसके बाद शुक्रवार की सुबह से ही गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू शुरू किया गया और सबको नदी से बरामद कर लिया। परिजनों ने पुलिस को बताया कि गुरुवार की दोपहर आकाश घर से बैंक में जाने के लिए निकला था, जिसके बाद उसने फोन कर बताया कि वह शाम तक घर लौटेगा, लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद से आकाश का मोबाइल बंद आने लगा। परिजनों ने मोबाइल डिस्चार्ज समझ बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन शाम तकरीबन 4 बजे रीवा के गढ़ थाना क्षेत्र स्थित पंजाबी ढाबे में उसका मोबाइल चालू हुआ, जहां आकाश के मोबाइल से ढाबे में खाने का पेमेंट किया गया। इसके बाद देर शाम दोस्तों ने उसके नदी में डूबने की सूचना परिजनों व पुलिस को दी। कहां के रहने वाले हैं, कुछ परिजनों को आरोप? प्रयागराज जिले के मेजा तहसील का रहने वाला आलोक सोनी है, जो अपने चार साथियों के साथ क्योटी फॉल में पिकनिक मनाने कल आए थे और नहाते समय उनकी पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। उनके परिजन भी आ गए हैं, सूचना मिल गई है, शव का पंचनामा कराया गया है। उनके परिवार का आरोप है कि हत्या की शंका व्यक्त की गई है। SDOP मनगमा और थाना प्रभारी गढ़ और चौकी प्रभारी लालगांव सभी लोग उस घटनास्थल पे हैं। पंचनामा कार्रवाई हो चुकी है, लास्ट PM के लिए जा रही है। मर्ग कायम किया गया है, मर्ग जांच के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर FSL की टीम दी गई है? FSL की टीम दी गई है? हाँ, FSL की टीम भी मौके पे है। जो एविडेंस PM के बाद और जो साक्ष्य एविडेंस आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।